हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है शेज़वान हक्का नूडल्स और मैंने इसको अलग फ्लेवर में बनाया है। चाइनीज़ फ्लेवर में तो बनाते रहते हैं तो मैंने थोड़ा सा इसमें अलग चेंज किया है और ये सच में फ्रेंड्स बहुत अच्छा बना था और आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाया मैंने। सबसे पहले मैंने नूडल्स को लिया है और पानी बॉयल किया। बॉयल पानी हो गया, उसके अंदर थोड़ा साल्ट और ऑयल डाल के मैंने बॉयल कर लिया। उसके बाद जो हक्का नूडल्स है उसको मैंने डाल दिया था और ये 10 मिनट्स में हो जाता है फ्रेंड्स। इस तरह से मैं दबा के देख लेना है और उसके बाद फिर हम इसका जो पानी है ड्रेन कर देंगे और फिर ठंडे पानी से इसको वॉश कर लिया है मैंने। देखिए, ये इस तरह से हमें वॉश कर लेना है ताकि बाद में ये आपस में चिपके नहीं। और फिर जब हमारा ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, इसको हमें ठंडा करना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल की छींटे देके फिर हम इसको अलग रख लेंगे। तो अभी मैंने इसमें 1 स्पून ऑयल डाला है और ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सभी नूडल्स के अंदर लगा देंगे ताकि हमारे नूडल्स अच्छे से एकदम अलग अलग बने। तो नूडल्स में डालने के लिए मैंने ये सारी वेजिटेबल्स ली हैं, आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। ये मैंने कैरेट लिया है, ये मैंने कैप्सिकम 1 लिया है और मैं जिंजर ग्रेट करके लिया है, ऑनियन लिया है और ये मैंने कैबेज लिया है। तो और ये मैंने शेज़वान फ्राइड राइस मसाला है जो कि शेज़वान फ्लेवर में आता है और ये मार्केट में आराम से मिल जाता है। और ये मैंने लिया है सोया सॉस, विनेगर। और अब मैंने कढ़ाई गरम कर दी है और उसमें ऑयल ऐड कर दिया है। उसके बाद सबसे पहले हम इसके अंदर अनियन को डालेंगे और फ्रेंड्स इसको हम फुल फ्लेम पे ही बनाएंगे क्योंकि हमको चाइनीज़ टाइप्स के जो फूड होते हैं वो सभी हमको फुल फ्लेम पे ही बनाना चाहिए, तभी उसमें टेस्ट आता है अच्छा। तो ये मैं अनियन भून लिया है मैंने और इसके अंदर थोड़ा साल्ट मैंने ऐड कर दिया है ताकि अनियन अच्छे से जल्दी से भून जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर चॉप किए हुए अपने कैरेट ऐड कर दिए हैं और उसके बाद इसको हम पहले थोड़ा सा पहले पका लेंगे ऐसे करके मैं, तो उसके बाद हल्का सा हमें इसको पका लेना है। उसके बाद कैप्सिकम को ऐड करेंगे क्योंकि कैप्सिकम बहुत जल्दी हो जाता है, तो कैप्सिकम को हमको बाद में ऐड करना है। और अब इसको हमें फुल फ्लेम पे ही और इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करके चलाते हुए फिर भून लेना है और ताकि अच्छे से हमारी सब्जियां भून जाए। बहुत अधिक कुक नहीं करना है हमें सब्जियों को क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक कुक सब्जियाँ अच्छी नहीं लगेंगी। तो आपको बहुत थोड़ा सा ही देर कुक करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा साल्ट ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये सब्जियां हमारी रेडी हो गई। अब इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसके अंदर सोया सॉस ऐड करने के बाद हमको इसके अंदर फिर हम इस तरह से चलाते हुए ऐड करेंगे और फिर हम इसके अंदर टोमेटो केचप को ऐड करेंगे। फिर जो हमने शेज़वान मसाला लिया है वो ऐड करेंगे जो कि ये अलग सा टेस्ट देगा, एकदम डिफरेंट टेस्ट आएगा। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमें तो इसके बाद हमने नूडल्स को ऐड कर दिया है और उसको अच्छे से मिला लिया है मैंने। और उसको अच्छे से मिलाने के बाद हमको थोड़ी देर इसको हल्के हाथों से टॉस करना है इस तरह से। तो फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, हमारे ये नूडल्स रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सर्व कर रही हूँ एक बाउल में। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो फिर से मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। एंजॉय करें तब तक आप सभी। बाय बाय।